सर तो मैं आपको बता रही थी कि सर छोटे में तो सर मेरे को डांस का शौक था और मैं एसटीसी 3-4 इयर्स की, पर जैसे सर मेरे भाई हुआ तो फिर सर मम्मा के पास इतना टाइम नहीं था तो सर मैं नहीं जा पाई। एंड सर उसके बाद मेरे को 6th 7th में सर मॉडलिंग का शौक हुआ सर, अभी भी है मेरे को बल्कि, बट सर फिर मेरी मम्मा ने मेरे को समझाया कि साइड बाय साइड स्टडीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो सर तो मैं तो सर मेरे को शौक है IAS बनने का सर, मतलब सर बहुत ज़्यादा शौक है, बेशक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बट सर मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि सर IAS के एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता है, बल्कि इतने सारे सामने क्वेश्चंस पूछने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट सर मेरे को शौक है। एंड सर साइड बाय साइड मुझे मॉडलिंग भी करनी थी सर, मेरा तो पैशन साथ में लाना पड़ेगा। तो डांस का शौक क्यों पीछे हुआ? सर डांस का एक्चुअली सर मेरे को पहले बहुत शौक था और सर मेरे को ऐसा मतलब मेरे मन में था कि मैं आगे तक जाऊँ, बट सर जैसे अब सर मतलब मेरा मॉडलिंग में मोर इंटरेस्ट, सर मैं डांस करती हूँ सर अभी तक करती हूँ, बट सर मेरा मॉडलिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट है और सर डांस से ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे को मॉडलिंग में पढ़ाई में। एंड मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने मॉडलिंग करनी है तो उन्होंने बोला कि हाइट भी लंबी चाहिए होती है, सर मैं इतनी टॉल हूँ नहीं। ये किसने बोला? सर बहुत बोलते कि हाइट लंबी चाहिए होती सर 5'3" आपने शायद अक्सर सुना होगा, कहीं सुनी जो बातें होती है झूठी होती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कहीं आप गए और किसी ने आपको बोला कि आपकी हाइट कम है और आप स्टेज से बाहर हो जाओ, ऐसा तो नहीं हुआ ना? सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाइट कोई मैटर नहीं करती, नहीं ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैटर करती, लेकिन इतनी कम भी नहीं है आप कि नहीं जा सकते। ठीक है सर, वही मैं आपको बोल रही हूँ ना सर, मैं ज़्यादा टॉल हूँ ना, मैं शॉर्ट हूँ सर, मिड एकर मतलब, लेकिन सर जैसे मैं शूज वगैरह देखती हूँ सर उसमें तो मॉडल्स इतनी लंबी लंबी होती है सर, मिस इंडिया। आपने देखा उनकी हील कितनी लंबी लंबी होती है? नो सर, हील्स नहीं नोटिस की मैंने। पहनी होती है जब वो सर, मैंने लॉन्ग ड्रेसेस पहन ली तो उसमें दिखती नहीं है। जी जी, ओके। तो डांस छोड़ दिया, मॉडलिंग की तरफ। यस सर, क्या बनना, क्या है सपना, क्या है सर? सपना तो ये नंबर एक पे क्या है नंबर वन पे कि मैं अच्छी से अच्छी जॉब करूं सर, जैसे IAS बोल रही हूँ सर, पर सर उसके लिए कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है। एंड सर सेकंड मैं चाहती हूँ कि IAS की अगर बन जाऊँ IAS तो बहुत अच्छी बात है, साइड बाय साइड में मॉडलिंग भी करूँ सर। सब तो कुछ ऐसा किया आपने अपनी लाइफ में मॉडलिंग से रिलेटेड, कुछ किसी स्टेज पे गए, कोई पार्टिसिपेट? यस सर, व्हाई नॉट सर, स्कूल में प्ले होते हैं सर, डांस होते हैं, मैं सर हर डांस में सेलेक्ट होती हूँ। एंड सर स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन होते हैं तो सर मैं चाहे एथलीट हो चाहे एनीथिंग, मेरे को स्पोर्ट्स टीचर हमेशा सेलेक्ट करती है, दौड़ती बहुत तेज है। एंड सर दूसरी बात ये कि डांस सर ललित सर ने भी इतने सारे शोज किए तो सर उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। एंड सर वो ऐसे तो स्कूल में भी बहुत मिले सर, इतना ही है सर डांस क्लास। इतना कुछ करने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है? सर एक्चुअली जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो सर मेरे को एक बार सर 5th में जब मैं प्ले में सेलेक्ट हुई थी, मेरे को एक टीचर ने बोला था कि सर जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप रेड बन जाते हो, एकदम शाय बनना नहीं चाहिए। मैं सर एकदम रेड हो जाती हूँ, सर पता लग जाता है कि मैं सर शाय फील कर रही हूँ। कैमरा कितना फेस किया आपने आज तक? मोबाइल जो भी है कितना फेस करते हो सर? वीडियो बनाते हो घर में? कोशिश करती हूँ बट सर बनती नहीं है, ऐसी घटिया जैसी बन जाती है। मतलब घटिया किस टाइप की बनती है? कैमरा हिल जाता है या अच्छे से एक्टिंग नहीं हो पाती या जो आप चाहते हैं वो नहीं बन पाता? सर एक्चुअली सर जैसे मैं कभी इंस्टा रील्स देखती हूँ बट सर मेरे को ये पता नहीं चलता कैसे बनाऊँ सर, उसको एडिट कैसे करूँ सर ये पता नहीं चलता मेरे को सर, वरना बना तो दूँ मैं बट सर एडिट करने का सर थोड़ा कन्फ्यूजन। यस सर, ओके ओके, नहीं बिना एडिट के भी होती है, डाल सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं है सर। बट अभी सर मैंने तो सोचा था कि सर मैं इंस्टा पे फेमस होंगी, लेकिन सर प्लस टू के बाद सर अभी नहीं सर, बिकॉज अभी फोन इतना यूज करेगी सर तो किसी को चश्मे लग जाते हैं तो सर किसी की आईज मतलब सर होता रहता है ना सर, और सर मेरे पापा तो मुझे यूज ही नहीं करने देते बिल्कुल भी, पापा के सामने तो सर मैं यूज ही नहीं कर पाती सर। ओके ओके, ओके यस सर। आज इतनी देर में मेरे साथ बात की, कैसा लगा आज?
कुछ थोड़ा डर हल्का सा कम हुआ? फर्स्ट टाइम जब आपने पहले के 5 मिनट और अब में क्या फर्क है? सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, जिसके साथ मैं घुल मिल जाती हूँ सर, तो मैं उसके साथ बहुत बातें करती हूँ कि दूसरा पर्सन भी बोलता है कि सर मज़ा आ गया बात करके, बट सर जब मैं घुल मिलती हूँ ऐसी शांत बैठी रहती हूँ, सब बोलते हैं कितना शर्माती है तू, कितना शर्माती है। आपको क्या लगता है, आप सच में शर्माते हो या आपका अपने आप बताएं, आपके आपका नेचर कैसा है? सर एक्चुअली सर मेरे को लगता है कि सर सर मैं शायद थोड़ा शर्माती हूँ सर, शायद थोड़ा शायद सर, एक्चुअली सर मेरे को स्टेज फियर है सर बहुत ज़्यादा। आजकल के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के इतने चंट है, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, आप तो कॉन्वेंट स्कूल के तो बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, वैसे में आप क्यों अपने आप को पीछे मानते हो? मुझे नहीं लगता कि सर मैं नहीं, ये शायद ये आपकी सोच है। नो सर मैं पीछे नहीं मानती सर, मैं जानती हूँ कि मैं हर चीज कर सकती हूँ, लेकिन सर वो ही बात है सर, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है सर, आई डोंट नो व्हाई। ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है, शर्माना नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई भी चीज आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, ठीक है आसान भी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा मत सोचो कि हर चीज़ आसान ही एकदम से मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है तो डरना नहीं है, बस कूद जाओ, देखो तैरना है तो कूदना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, और ये डर डूर होता है, सबको होता है, जरूरी भी डर भी होना जरूरी है, अगर डर नहीं रहा ना तो फिर आप भगवान बन गए, आप सोचोगे मुझे तो सब कुछ आ गया। आज जो बड़े बड़े एक्टर हैं आपने देखना, इनके जब लाइव इंटरव्यू हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, एक खुद भी कहते हैं कि आज भी हम कैमरे के सामने घबराते हैं और डरते हैं, और वो डर होना भी जरूरी है, तो ऐसा नहीं, और मन छोटा ना करें आप, सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया होगा, जो आपके सपने वो फुलफिल होंगे, माँ बाप जो सोचते हैं वो भी अच्छी बात है, आपको IAS बनना है, आपने बहुत अच्छी बात करी, और मैं तो चाहूँगा ही कि आप IAS बने, HS बने, कुछ भी बने, बैंक में जॉब करें, साइड बाई साइड आपको मॉडलिंग करनी है वो भी करते रहें, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है, सपनों को मानना नहीं है, और माँ बाप के घर में ये सपने, मैं तो ऐसा नहीं है कि बाद में आपके सपने नहीं होंगे, पूरे हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप के घर में जितनी छूट होती है शादी के बाद उतनी छूट नहीं होती, वो तब होगी या आपके पास ऐसी कोई अच्छी एजुकेशन होगी, जॉब होगी, तो आप फ्री होंगे, आप सब सर, और जैसे ही टाइम चल रहा है तो इस टाइम में सर मैक्सिमम सर बच्चों का सर कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है सर, चाहे वो IAS के एग्जाम की बात हो सर, क्योंकि सर पहले तो IAS में भी 3 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं सर, जो लास्ट होता है तो सर उसमें आपके बैठे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी सर बहुत सारे होते हैं सर, 1, 3, 4 थोड़ी होते सर, बहुत सारे होते थे, पूरा पैनल बैठा होता है सर, कॉन्फिडेंस तो चाहिए सर, बस सर सुर छोड़ दे, मैंने बोल दिया ये कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपका फील करूंगा, टेंशन ना लो आप दोनों का, ठीक है मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ और थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा। जी अभी हमारे साथ किंजल ठाकुर थी और इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, और जैसा कि ये कह रहे कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो है, और अभी इतनी अच्छी सी बातें की इसने, इतनी प्यारी प्यारी बातें की, लगता है आपको कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है? नहीं है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कुछ टिप्स दें।